कोरोना की लहर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि 18 से 59 साल तक के लोगों को अब सरकारी सेंटर्स में मुफ्त में बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि देश भर में 15 जुलाई से शुरू होने वाले 75 दिन के विशेष टीकाकरण अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 59 साल तक के लोगों को कोविड वैक्सीन की मुफ्त प्रिकॉशन डोज मिलेगी। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कोविड की बूस्टर डोज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये 75 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। आजादी का अमृत काल के मौके पर फैसला लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से अगले 75 दिनों तक 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त में बूस्टर खुराक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी।